हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर से गोल्ड एक रसिस्टेंस पे ट्रेड कर रही है। दोस्तों, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम का रसिस्टेंस है। प्रीवियस काफ़ी टाइम से हम इस रसिस्टेंस को बार कर रहे हैं और मार्केट भी इस लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। देखिए, फिर से मार्केट इस रसिस्टेंस पर ही ट्रेड कर रहा है। ये बहुत अच्छा सा एक रसिस्टेंस जोन है, जैसे कि प्रीवियस काफ़ी टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, देखिए, मार्केट ने इस रसिस्टेंस लेवल को फिर से रिस्पेक्ट किया और यहाँ पर बैरिश कैंडल बनाना स्टार्ट किया। ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी टाइम से इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है, बट ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। रेसिस्टेंस का लेवल है 2339.870 एंड 2331.137। दोस्तों, प्रीवियस डे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, काफी अच्छा सा एक रेंज मार्केट ने बना था। ये एक रेसिस्टेंस का लेवल यहाँ पे हमने प्रीवियस डे मार किया था। इसके बाद एक सपोर्ट लेवल भी मार किया था। दोस्तों, ये था एक सपोर्ट जोन। प्रीवियस डे हमने डिस्कस किया था, मार्केट बहुत अच्छे से इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, सपोर्ट ले रही है, रेसिस्टेंस ले रही है, सपोर्ट ले रही है, रेसिस्टेंस ले रही है। रेसिस्टेंस के आसपास जो मार्केट यहां पे ट्रेड कर रहा था, उस टाइम पे व्यू था कि मार्केट यहां से रिजेक्शन भी कर सकती है, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस जोन है। और देखो, मार्केट ने अच्छे से रिजेक्शन किया। इसके बाद ये सपोर्ट था हमारा काफी इंपॉर्टेंट। हमारा व्यू था, अगर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट बुलिशनेस शो करती है तो फिर मार्केट इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट यहां पे कर सकती है। और फाइनली देखिए, मार्केट ने इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। दोस्तों, मैंने यहां से आपसे क्लियर बोला था कि ब्रेकआउट के बाद हमें ध्यान से समझना है कि इस लेवल का रीटेस्ट भी होना चाहिए, लेकिन मार्केट ने इंस्टेंट ब्रेकआउट करने के बाद देखो यहां से डाउनफॉल कर दिया। यानी कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर को यहां से ट्रैप किया है। ब्रेकआउट पे जो ट्रेडर ने यहां पे अपना ट्रेड प्लान किया होगा, सभी के SL यहां पे हिट हुए होंगे। इसके बाद देखो, सेकंड टाइम भी मार्केट ने ट्रैप में किया है रिटेल ट्रेडर। किस तरीके से देखो, यहां पे अगर इसी सपोर्ट को आगे के लिए हम एक्सटेंड करते हैं तो सपोर्ट को भी मार्केट ने यहां पे ब्रेक डाउन किया है, और ब्रेक डाउन पे फिर रिटेल ट्रेडर ने यहां पे ट्रेड बनाया होगा, फिर से मार्केट देखो यहां से बुलिशनेस शो किया है। तो काफी अच्छा ट्रैप में कल के दिन मार्केट ने किया है। दोस्तों, इसलिए यहां पे मैं हमेशा बोलता हूं कि ब्रेकआउट के बाद हमें रीटेस्ट के लिए इंतजार करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही कोई हमें एक बुलिश सेटअप बनता हुआ दिखाई देता है, तभी हमें यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करना चाहिए, ठीक है। इंस्टेंट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे कभी भी हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखो, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है इस मार्केट में। पेशेंस के साथ, सेटअप के साथ आप ट्रेड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आप इस मार्केट में विन कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमें हमेशा एक डर होता है कि ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट अब बहुत अच्छा डाउनफॉल करेगा, कहीं ये अपॉर्चुनिटी हमसे मिस ना हो जाए, इसलिए हम इंस्टेंट ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट पे अपना ट्रेड प्लान करते हैं। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। मार्केट में नई नई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती रहती है, इसलिए अगर यहाँ से हमारे से ये ब्रेक डाउन वाला सेटअप मिस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिस हो जाने दीजिए। लेकिन यहाँ पे ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट अगर करने आती है और फिर से मार्केट कोई यहाँ से सेटअप दिखाता है, तभी यहाँ से हमें अपनी ट्रेड प्लान करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, हम फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा दोस्तों कल के दिन का यहाँ पे हमारा एनालाइज, जो कि आप देख पाएंगे मार्केट ने बहुत अच्छे से इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया, सपोर्ट लिया, और देखो यहीं से मार्केट ने बुलिशनेस भी शो किया है। तो काफी अच्छा कल का जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हमने मार किया था, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। अब बात करते हैं ट्रेडर्स, आज गोल्ड किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे तो मार्केट ने देखो रेसिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर दिया है, बहुत अच्छा रेसिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद देखो यहाँ से रीटेस्ट करने के लिए आया है, तो रीटेस्ट करने के बाद क्या प्राइस अब यहाँ से बुलिशनेस शो करेगी, या फिर से मार्केट ने जैसे फेक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया प्रीवियस डे, फिर से रिजेक्शन आया, तो क्या आज भी कुछ ऐसा ही मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल कर सकता है, क्या हो सकता है? आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए, और फिर आज हम किस तरीके से सेटअप को देखते हुए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, आगे वीडियो में
समझने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ट्रेडर्स चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर लें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो ट्रेडर्स सबसे पहले हम चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, ठीक है, वहां से हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन कर लिया है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स ध्यान से समझना, अभी मार्केट ये जो रेसिस्टेंस है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं किया है। अगर आप यहां से कोई भी सेटअप प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि ये रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट, ये पूरा जोन है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि ये पूरा एक रेसिस्टेंस का जोन है, ऐसा नहीं कि ये 15 मिनट का टाइम, ये माइनर सा रेसिस्टेंस है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर कोई ब्रेकआउट पे आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो फिर इस लेवल के आसपास तो आपका यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाना चाहिए, ठीक है। ये रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, देखो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, इसके बाद मार्केट ने नेगेटिविटी शो करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो ये वाला जो लेवल है ना यहाँ पे चेक कर लो आप, 2339.870 का ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट होने के बाद ही यहाँ से मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकती है। अब बात ये आती है कि भाई अपसाइड का मोमेंटम मार्केट कहाँ तक दिखा सकती है, कौन सा लेवल रेसिस्टेंस हो सकता है। जैसा कि प्रीवियस डे भी हमने मार्क किया था, फिर से आज मैं आपको मार्क करके दिखाना चाहूंगा, ये जो लेवल है ना काफी अच्छा एक रेसिस्टेंस का लेवल हो सकता है। लेकिन हमें ध्यान में रखना होगा, इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तभी इस सेकंड वाले रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट एक हाई लगा सकती है। सेकंड रेसिस्टेंस का लेवल है 2358.316 एंड 2350.991 का सेकंड रेसिस्टेंस जोन है, जो कि प्रीवियस डे भी हमने मार्क किया था। अब दोस्तों यहां से प्रोबेबिलिटी क्या है ये समझिएगा, यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट किस तरीके से यहां पे ट्रेड कर रहा है। तो यहां पे मैं आपको एक रेसिस्टेंस मार्क करके दिखाना चाहूंगा। देखो प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को बहुत अच्छे से रेसिस्टेंस लिया, ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है ये। अगर हम इसी ट्रेंड लाइन को आगे के लिए एक्सटेंड करते हैं तो क्या हो जाता है, ये ब्रेकआउट, राइट। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहां पे देखो मार्केट अगर इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आती है, ये पूरा एक रेसिस्टेंस था प्रीवियस टाइम, आप सपोर्ट बन चुका है। देखो यहां पे हम लेवल मार्क करेंगे, एक मिनट लेवल हम मार्क करेंगे ट्रेडर्स, ताकि हमें अच्छे से यहां पे समझ में आ, चार्ट को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं मैं। देखिएगा ये एक लेवल है, यहां से ऐसा करके हम मार्क करेंगे, ये रेसिस्टेंस था प्रीवियस टाइम, मार्केट ने बहुत अच्छे से इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया है, टाइम स्पेंड किया है, इसके बाद यहां पे ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आने के बाद अगर मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आती है और बुलिशनेस शो करती है दोस्तों, हाई को ब्रेक करती है, सो प्रोबेबिलिटी के मार्केट एक नया हाई लगाए, यहां पे मार्केट ट्रैप में कर सकती है, क्योंकि ये देखिएगा पास में ही ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, ये ट्रेंड लाइन का वेव का एक रेसिस्टेंस जोन है, दिखाई दे रहा आपको क्या है ये रेसिस्टेंस। सो हो सकता है यहां से मार्केट इस लेवल के आसपास फिर से आए और फिर से यहां से रिजेक्शन कर दे, इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि ये रेसिस्टेंस ब्रेकआउट करना चाहिए तो फिर यहां से एक नया हाई लगाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। सेकंड कंडीशन की यहां पे बात करते हैं, सेकंड कंडीशन क्या बन सकती है दोस्तों, यहां पे अगर हम एक और ट्रेंड लाइन को मार करें तो फर्स्ट स्विंग लो ये हो जाता है और सेकंड स्विंग लो ये हो जाता है। अब देखो यहां पे कुछ इस तरीके का एक पैटर्न भी यहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है, ध्यान से समझो, अगर इस सपोर्ट को मार्केट यहां पे ब्रेक डाउन करती है तो ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ना इस लेवल के आसपास भी गोल्ड हमें देखने को मिल सकता है। यहां पे हम क्या करेंगे, एक सपोर्ट एरिया यहां पे सपोर्ट को मार करेंगे तो ये वाला हो जाता है एक सपोर्ट इस तरीके से। तो ये काफी अच्छा सा एक सपोर्ट लेवल है 2316.310 एंड 2311.562 का, ये काफी अच्छा सा सपोर्ट लेवल है, मार्केट इस लेवल को बहुत अच्छे से सपोर्ट ले रही है, ठीक है। तो इस तरीके का यहां पे आज हमें एक सिंपल सा सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, 1 घंटे के टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से थोड़ा नॉलेज मिला होगा, थोड़ा आइडिया मिला होगा किस तरीके से आज हम गोल्ड में एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन हिट करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए।